हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज अगाथा वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद थिंग में मैं फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे हम अपने घर पे बहुत ही आसान तरीके से वेजिटेबल सॉस वेजिटेबल सूप बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी एंड बहुत ही टेस्टी सूप बनने वाला है आज का चलिए देखते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज करनी है वेजिटेबल सूप के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए देखते हैं मेरी वीडियो तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें चाहिए होगा प्याज अदरक और लहसुन लहसुन कम मात्रा में रहेगा अदरक ज्यादा मात्रा में रहेगा हमें चाहिए फूल गोभी और बीन्स गाजर और हमें चाहिए पत्ता गोभी फ्रेंड्स पत्ता गोभी हमें और जजबाघे की सब्जियाँ हमने ली हैं उन्हें हमें बारीक बारीक सा कट कर लेना मैंने चाकू के हाथ से कट किया आप चाहो तो चॉपर तो के हल से भी कट कर सकते हो तो ये सब में आप अपनी फेवरेट सब्जी भी यूज़ कर सकते हो मैं यहाँ पर बछवा भी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे बछवा पसंद है अगर आपको बथुआ नहीं पसंद है तो आप बथुआ ना डालें तो को भी बारीक बारीक से मैंने काट लिया थोड़ी सी हरी धनिया भी मैंने बारीक बारीक से काट ली है और अब मैं आपको बता दूँ कि आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हो और जो सब्जी आपको पसंद है मूली मशरूम या जो भी सब्जी आपको पसंद है वो आप डाल सकते हो और इसमें से अगर आपको कोई सब्ज़ी नहीं पसंद है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए अमूल बटर मैंने टेन रुपीज़ का छोटा पैकेट ले लिया आप जो भी बट बटर यूज़ करना चाहते हैं वो बटर यूज़ कीजिए और यहाँ पर मैंने ग्रीन अनियन को भी जो है कट करके रख लिया है मैं मैंने ग्रीन अनियन में बोल गई थी तो मैं दोबारा ले आई हूँ तो ग्रीन अनियन आप स्किप भी कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज अदरक और लहसुन को बटर में डाल दिया है आप इसे बड़े भगवने में बनाइएगा छोटे मतलब किसी गहरे बर्तन में बनाइएगा तो प्याज अदरक और लहसुन डालने के बाद हमें ग्रीन अनियन और बाकी की सब्जियां भी डाल देनी है उनको डालने के बाद हल्का सा उनका कच्चापन मिटाना है उसको पकाना नहीं है एकदम से खाली कच्चापन मिटाना है उसका उसके बाद इसमें हमें डाल देना है नमक दोस्तों उसमें तो नमक डाल, इसलिए डालते हैं ताकि जो सब्जियाँ हमारी वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं नमक डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी तो करीबन दो लीटर पानी मैंने इसमें डाला है तो, तो, तो दो लीटर पानी डालने के बाद इसमें हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और धनिया जीरा और लाल मिर्च पाउडर फिर हम डालेंगे इसमें सोया सॉस सोया सॉस से कलर बहुत अच्छा आता है फिर हम डालेंगे ऑरिगेनो टेस्ट के लिए ऑरिगेनो डालने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करके उबलने रख देंगे तो ये देखिए फ्रेंड्स अच्छा सा बॉयल आने लगा तो इसका मतलब हमारा जो आ, सूप है वो पक चुका है तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय और, और फ्रेंड्स सूप एंजॉय जरूर कीजिए